यूपी नंबर की एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को मोहाली की अदालत में पेश किया गया था, वो रविवार रात रोपड़ मनाली मार्ग पर एक ढाबे के पास खड़ी हुई मिली। पंजाब और यूपी पुलिस इस एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकी है। ये एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली है। इससे पहले शाम को रोपड़ जेल के बाहर यूपी नंबर की एक इनोवा कार दिखाई दी थी। सूत्रों की माने तो गाड़ी में यूपी पुलिस के अधिकारी बैठे हुए थे। गाड़ी पहले जेल के आगे आकर रुकने लगी, लेकिन अधिकारियों ने मीडिया को देखते ही कार को नहीं रोका और वो आगे आगे चली गई। कुछ मिनट बाद गाड़ी वापस जेल के आगे से निकल गई। SHO सिटी राजीव चौधरी ने गाड़ी को रोक कर पूछताछ की, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब की जेल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। यूपी की बांदा जेल में हाई सिक्योरिटी में उसे रखा जाएगा। 30 पुलिसकर्मियों की टीम पंजाब जाएगी और वहां से मुख्तार अंसारी को यूपी लेकर आएगी। अंसारी को GPS लगे वज्र वाहन से लाया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।